कि यूथ इल इन्फॉर्म है, इनको पता नहीं है। सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई थी और उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को पता नहीं है, ये है वो है। आज आपको एक तकरीर दिखाने जा रहे हैं। ये कौमी असेंबली के अंदर आज बच्चों को बुलवाया गया था, मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे थे, उन्होंने वहां पर तकरीर की। आपके स्क्रीन पर ये जो बच्चा चल रहा है और इसके बाद एक छोटी सी बच्ची ने भी तकरीर की है, जिसमें उन्होंने बाकायदा इमरान खान का नाम लेकर तकरीर की और इन सबको तकलीफ चढ़ी। लेकिन आपको इस बच्चे की तकरीर सुनवाने जा रहे जिसका नाम है सैयद अली हाशमी। इस बच्चे ने ओपोजिशन लीडर की नशिस्त, जो असल में इमरान खान की नशिस्त है, देखिए अगर बाकायदा तौर पर इमरान खान को सही मायनों में निकाला जाता, यानी साजिश के बगैर, तो वो इस वक्त निकल चुके हैं। वजीर आजम तो नहीं, तो ओपोजिशन लीडर तो उन्होंने बनना था और वो इस वक्त ओपोजिशन लीडर की कुर्सी पर होते, लेकिन उनकी जगह राजा रियाज है, वो तो दो नंबर तरीके से आए हैं। इस बच्चे ने वैसे इमरान खान की जो नशिस्त बनती है उस पर खड़े होकर, ओपोजिशन लीडर की चेयर पर खड़े होकर उन्होंने जो तकरीर की है, तमाम जो वुजरा है बड़े बड़े उनका नाम लेकर धोया, वजीर आजम तक को, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ा, और उसके बाद ओपोजिशन लीडर की सीट पर जो इस बच्चे ने धज्जियां उड़ाई हैं, कोई ऐवान के अंदर ऐसी बात इनका जवाब देने को तैयार नहीं। इमेजिन करें ये औकात है इसकी, किस बच्चे की तकरीर ने उड़ा कर रख दिया कि राजा रियाज को यह कहना पड़ा कि आप ओपोजिशन लीडर की निशिस्त पर खड़े हैं तो आप बोल सकते हैं। यानी कोई इस बच्चे का जवाब नहीं दे सका और उसने उड़ा कर रख दिया सबको। ये क्या लाजवाब तकरीर थी और ये हमेशा याद रखी जाएगी। और उसके बाद वो बच्ची की भी आपको तकरीर सुनवाएंगे जिसने इमरान खान की तारीफ की और इन सबको आग लगी। ये क्या सिनेरियो और सूरत हाल है, जरा तकरीर सुनिए। शुक्रिया। द नेक्स्ट स्पीकर इज सैयद अली अकबर हाशमी। सैयद अली अकबर हाशमी साहब, जनाब स्पीकर और मौजूद अरकान कौमी असेंबली, मेरा नाम सैयद अली अकबर हाशमी है और मेरी उम्र है 13 बरस। मैं पाकिस्तान के उन खुशनसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारे तक रसाई हासिल है, जैसे 3 तो क्या शायद 5 वक्त तक का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में सारी महंगी से महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है और मेरे पास पहनने को जूते भी हैं, लेकिन जनाब स्पीकर मैं 10% से भी कम हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ। पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखता हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कप कपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है, या ये गुब्बारे बेचता है, या ये सड़क पर गाड़ियों के शीशे साफ करता है, और अगर कुछ नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। इसे भूख लगती है तो ये कूड़े के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता है। होटलों के बाहर ये किसी का छोड़ा हुआ बर्गर, सैंडविच, रोटी जो भी मिले खा लेता है। खा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है कि मैंने कभी किसी को इस बच्चे से मोहब्बत से बात करते हुए नहीं देखा है। सो नफरतों सुनफरतों महरूमियों और हसरतों में पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मौजूद जवान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो गुलामी, जबरी मुशक्कत और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुर खतर मुलाजमत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वजीर तालीम से पूछना चाहता हूँ कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफा दिया तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है?
मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मौजूद रुकन महनाज अकबर अजीज ने स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ बिल इसी असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदान पर प्लाजे बनाने की इजाजत कौन देता है। मैं वजीर इत्तलात से पूछना चाहता हूँ कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती कि वो बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम चलाएं। मैं आईटी के वजीर से पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को बच्चों की खरीद और फरोख्त का जरिया बनने की खुली छुट्टी क्यों है। मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूँ कि बच्चों पर तशद्दुद को रोकने पर हमारा मुआशरा क्यों तैयार नहीं और आज भी जब मेरे सर पर कोई हाथ रखता है तो मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि यह हाथ शफकत का है या हवस का। जनाब स्पीकर, मैं आप सब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसा वो बच्चा जो मुझे स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से नजर आता है उसकी आंखों की महरूमी और वहशत का जवाब किसके पास है। मैं जानता हूँ कि मैं और मेरी गाड़ी से नजर आने वाला वो बच्चा 18 साल से छोटे हैं। हम आपको वोट नहीं दे सकते, सो हम आप सब से पूछना चाहते हैं कि क्या हम आपके किसी काम के नहीं, क्या हमारा कोई हक नहीं और क्या हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। और अगर ऐसा है तो मैं इंतहाई अदब से जनाब वजीर आजम साहब से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया हाशमी साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। वैसे भी आप लीडर ऑफ दी पोजीशन की कुर्सी पर इस वक्त विराजमान हैं। खदीजा जनाब स्पीकर, मैं जब तरीका मुतालिया करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखती हूँ, जी हाँ जनाब स्पीकर, मैं देखती हूँ कि अजमो यकी की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की तबीर, मेरा पाकिस्तान जनाब स्पीकर, मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो लोग जलकर कहते हैं, जी हाँ जनाब स्पीकर, लोग जलकर कहते हैं कि चंद माह साल से ज्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ये मनाजर दिखाती है कि हम अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ कायम दायम है बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से ये साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अजमो यकी से निकलेगा, कि जब अपना काफिला अजमो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, हम हर महाज साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, इस कोश में जहांगीर और जान शेर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने और जब बात मुल्क की हिफाजत और सहमियत की आई तो हम मेजर अजीज बट्टी और मेजर तुफैल बने। हमने इंसानियत की खिदमत के लिए सर सैयद अहमद खान बने। हम कायद के सिपा सलार तीर और तलवार बने और दुश्मन के लिए एक ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया। हमारी अफवाज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये मना और दुश्मन हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।